कैसे देखते हैं, किन कमोडिटीज में, किन सेक्टर्स में भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हमें नॉन एग्री साइड में अगर हमें यहाँ पे मार्केट को और एफिशिएंट बनाना है तो आप देखें कि ज़्यादातर जो इंडियन लार्ज हाउसेज हैं वो अपना हेजिंग आज भी प्रेफर करते हैं एलएमई में करने के लिए, तो क्यों ना हम उन्हें इस तरह के कोई इंसेंटिव दें या कुछ इस तरह से क्लॉज लाएं कि एक पोर्शन ऑफ देयर हेजिंग इंडियन मार्केट्स में हो। तो इससे क्या होगा, एक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और यहाँ पे लिक्विडिटी को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा एक और डिमांड जो रखा जा रहा है कि शायद गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, तो मुझे इस पे थोड़ा सा चांसेस कम नजर आ रहा है इस तर्ज पे कि अगर 2022 की बात करें तो देखिए $36.6 बिलियन का गोल्ड इम्पोर्ट हुआ इंडिया में, विच इज अराउंड 2,92,000 crores अगर हम उसको ट्रांसलेट करें रूपी टर्म्स में। तो गवर्नमेंट, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले एक फुल बजट है और इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट रैशनलाइज करना चाहेगी कि कोई भी रेवेन्यू सोर्सेस है उसको डिस्टर्ब ना करे, तो उस तर्ज पे मुझे लगता है कि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी आने के चांसेस कम है। हालांकि अगर हम गोल्ड में एक प्राइस सेटर बनना चाहते हैं और जिस तर्ज पे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को मंजूरी मिली, मुझे लगता है वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है ताकि हम IIBX को और डोमेस्टिक गोल्ड मार्केट को कोरिलेट करा पाए, ताकि जो इंडियन हाउस होल्ड इंडियन SMEs हैं वो भी एक ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके IIBX के थ्रू। तो नॉन एग्री साइड में मुझे लगता है ये दो मांगे अगर आगे अगर इस पे कोई सुनवाई हो तो ये बहुत गेम चेंजर हो सकता है।